नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी के दर्शकों का विधानसभा परिसर में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है और कांग्रेस विधायकों ने, जो कि कल मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा था कि हम काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शित करेंगे जो हिमाचल प्रदेश सरकार एमएसएमई नीति में लाकर, नई नीति लाकर नया जो प्रस्ताव आया है उसे लेकर हिमाचल में लूट की खुली छूट दे रही, वो नहीं सहन करने देंगे। और इसी के चलते आज विपक्ष ने काले बिल्ले लगाकर सदन में अपना विरोध प्रदर्शित किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बिल्ले लगाकर बाहर निकले हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मुकेश अग्निहोत्री। नेता काला कानून लेके आए कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी पूंजीपति हैं उनको हिमाचल में आके अगर कोई काम करना है तो वो जो है सरकारी परमिशनों से उनको छूट रहेगी और 3 साल तक उनको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फिर अगर सरकारें किस लिए होती हैं? सरकारें होती हैं, प्रशासन होता है, ये इसीलिए होता है कि हर काम जो है रेगुलेटेड तरीके से किया जाए। लेकिन आपने जो है खुली छूट दे दी, एक तो पहले लूट हो रही है और लूट में भी छूट दे दी, तो इसलिए जो है हमने इसका विरोध किया। हमने कहा ये काला कानून है और आप जो है कैसे कर सकते हैं कि कोई भी आए उसको टीसीपी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको जो है पंचायतों से परमिशन लेने की, एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, उसको पॉल्यूशन की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको फायर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो तरीका है जो हर तरह से जो है परमिशनों में छूट देना, ये सही नहीं है। हर चीज प्रदेश हिमाचल प्रदेश को कुदरत ने दिल खोल के दिया है, आप रेगुलेटेड तरीके से जो है काम करें। आप ये तो कर सकते हैं कि सिंगल विंडो से काम होगा, 15 दिन में काम होगा या 30 दिन में काम होगा, आप म्याद तो लगा सकते हैं। लेकिन आप कहें कि आप 3 साल तक परमिशन ही नहीं आपको मिले, तो हम इसके विरोध में है। ये काला कानून है, फिर ये डॉक्टर परमार, वाईएस परमार की धरती है, जिन्होंने इस हिमाचल का सपना देखा, जिन्होंने इस हिमाचल का निर्माण किया। उन्होंने सेक्शन 118 इसलिए इंसर्ट करवाया था ताकि हिमाचल के लोगों के पास लैंड होल्डिंग्स कम है और वो जो है कोई बाहर के लुटेरे आके जो है जमीनें लूट ना लें, इसलिए ये कानून बीच में लगाए गए। लेकिन आज की जो सरकार आई है ये तो फ्री फॉर ऑल कर रहे हैं, थोक की लूट का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। इसलिए हमने विरोध जताने के लिए आज कांग्रेस विधायक दल ने जो है काली पट्टियां लगाई हैं, काले बिल्ले लगा के विरोध किया है, क्योंकि ये निश्चित तौर पे काला इतिहास लिखा गया है जिसमें कि सरकार प्रायोजित लूट का जो है रास्ता प्रशस्त किया गया है। सर, कुंडली की जमीन को ये कहकर बेचा जा रहा है कि वहां पे अतिक्रमण का खतरा है, तो किस तरह से देखते हैं कि सरकार को ही अतिक्रमण का खतरा है तो आम आदमी के हितों को कैसे सुरक्षित करें? हमने तो ये कहा कि देखिए कुंडली जो है दिल्ली से 50-55 मिनट की दूरी पे है और वहां पे ये बिल्कुल सड़क के किनारे प्लॉट है और इसको पहले भी बेचने की बातें होती रही हैं, लेकिन ये प्लॉट संभव नहीं बिक सका। और यहाँ पे अगर आप कोई बिल्डिंग बनाएंगे और बहुमंजिला बिल्डिंग बनाते हैं तो हिमाचल के लोग जितने भी जाते हैं, जिनको दिल्ली में अकोमोडेशंस नहीं मिलती हैं, हिमाचल भवन छोटे हैं, सदन छोटा है और ये सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए रह गया है। अगर जो हिमाचल का बागवान जाता है, हिमाचल का किसान जाता है, हिमाचल के टैक्सी वाले जाते हैं, हिमाचल के बच्चे एग्जाम के लिए जाते हैं, नौकरियों के लिए जाते हैं और ऑटो चालक हैं, तो अगर वहाँ पे ये ऐसी व्यवस्था कर देते कि वहाँ पे एक बहुमंजिला इमारत बनाते और वहाँ सुबह से लोग जहाँ इधर से जाते हैं कुंडली में अपना रुक के जो है दिल्ली में काम करके वापस आ जाएंगे। ये द्वारका में बना रहे हैं सर्किट हाउस, द्वारका दूसरी तरफ जाता है, आप बताओ, वहां तो बेशकीमती जमीन यूपी की तरफ जमीन खरीद के बनाएंगे और इधर जो है जो हमारे जो है पहले के मुख्यमंत्रियों ने किसी सूझबूझ से जो है जमीन खरीदी थी उसको जो है ये बेचने जा रहे हैं। खैर, इनकी नजर ही बेचने पे है, कभी ये जो है कुंडली की जमीन बेच रहे हैं, कभी ये लुधियाना की जमीन बेच रहे हैं, कभी ये होटल बेच रहे हैं, 16 होटल बेचने की बात आ गई थी, कभी ये फार्मेसियां बेच रहे हैं, हर और जो भी है अब जो है ये छूट दे रहे हैं। इन सारे प्रावधानों के हम खिलाफ हैं क्योंकि इन्होंने देखो डीसीज को ये कर दिया बिल्कुल कि वो जो है परमिशन किसी की रिजेक्ट नहीं कर सकते, राइट टू रिजेक्शन उनकी खत्म कर दी, तो डिप्टी कमिश्नर कहे के लिए बैठाए हैं। फिर आपने पंचायतों से एनओसी छीन लिया कि पंचायत में कोई भी प्रोजेक्ट लगाएगा उससे एनओसी नहीं लेंगे। फिर अब आपने ये कर दिया कि 3 साल तक आपको परमिशनों की जरूरत नहीं है,
देखिए आप हिमाचल के कस्टोडियन हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है मंत्रिमंडल और कैबिनेट पे होती है। अगर इस ढंग से लूट का रास्ते खोलेंगे और हिमाचल की जमीनें, नदियां, पर्वत और जो है और संसाधन इस ढंग से जो है बिना टेंडर के बेचने की बातें आएंगी तो विरोध तो होगा। तो कुल मिला के हम इसका विरोध कर रहे हैं। सर, हाउस के 5 दिन काम करने को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए हम तो ये चाहते हैं कि ये मैंडेटरी है, 35 दिन की सीटिंग्स होनी चाहिए, और लेकिन सरकार ने 30 दिन की सीटिंग की, 5 दिन की सीटिंग यहाँ शॉर्ट कर दी। हालांकि प्रपोजल जो था यहाँ 10 दिन के सेशन का था, तो 10 दिन का सेशन काट के आपने 5 दिन का सेशन कर दिया। आप जो है अपनी 1 साल जश्न रैली मनाते हैं तब आप 5.25 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, जब आप जो है अभी दूसरे साल के मनाएंगे सरकार के जश्न आप फिर 5-7 करोड़ रुपया खर्च देंगे। आप जनमंच करते हैं वहां सारे हिमाचल में धामे लगाते हैं, 2-2 लाख रुपया हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को उसके लिए देते हैं, और फिर आप जो है इन्वेस्टर मीट करते हैं 16-18 करोड़ रुपए के टेंट लगा देते हैं, 6 करोड़ की पब्लिसिटी करते हैं, 3 करोड़ के कमरे लेते हैं। जब विधानसभा सेशन की बात आती है तो कहते हैं जी खर्चा ज्यादा हो रहा है, जबकि विधानसभा में ही चर्चा का एक स्थल है। पिछले साल भी आपने रूल को रिलैक्स करवाया, 1 सीटिंग का ही था चाहे, और इस बार आप 5 सीटिंग का रिलैक्स कराएंगे। अब लंच के बाद ये लेके आएंगे प्रपोजल की जी इसमें हमें छूट दे दो। सरकार को चाहिए कि 35 मैंडेटरी सीटिंग्स जो हैं उनको जो है करवाए, और धर्मशाला में अगर 2-4 सीटिंग्स फालतू भी हो जाती तो ये जो आपने सारा इवेंट मैनेजमेंट पे करोड़ों रुपया खर्च रहे हैं शायद उससे ज्यादा सार्थक रहता ये खर्चा। जैसा कि हमारे दर्शकों ने देखा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन की कार्रवाई को लेकर क्या कहा, उन्होंने उद्योगों में जो MSME नीति जिस पर इन्होंने आज काले बिल्ले लगाकर रोष जताया है उसे लेकर अग्निहोत्री जी का यही कहना था कि लूट की खुली छूट नहीं दी जाएगी किसी को भी हिमाचल प्रदेश में, यहाँ के मूल निवासियों और बाहरी लोगों के साथ किसी भी तरह का उद्योग लगाने में, मतलब भवन बनाने में या किसी भी तरह का कोई भेदभाव जो है कांग्रेस सहन नहीं कर पाएगी। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज विधानसभा का सत्र मौसम खराबी के कारण कुछ देर से शुरू हुआ, लगभग 12 बजे शुरू हुए विधानसभा के आखिरी दिन के शीतकालीन सत्र को अभी कुछ ही मिनट पहले विराम दिया गया है, भोजनावकाश किया गया है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से, और 20 मिनट बाद फिर से विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र आज जो अंतिम दिन है वो शुरू हो जाएगा। हम अपने दर्शकों को बाद में बताएंगे कि इस दौरान पूरे सत्र में क्या कुछ अंतिम दिन कार्रवाई हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन अभी ये बता देते हैं कि अभी तक जो भी सत्र हुआ उसमें मुकेश अग्निहोत्री ने इस बिल को लेकर चर्चा की, महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर चर्चा की गई, MSME बिल पर चर्चा की गई, और पर्यटन और अन्य विशेष अन्य बातों पर भी इस सत्र के दौरान बातचीत की गई, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री के साथ जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी है, किन्नौर के विधायक जगत नेगी और अन्य विधानसभा सदस्यों ने भी अपनी अपनी बात सदन में कही है। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।